आइए अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां सबसे बड़ी सियासी उथल पुथल मची हुई है और महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। अभी की सबसे बड़ी खबर यह कि कल महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के खिलाफ फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 45 मिनट बाद सुनवाई होनी है। सुबह दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आज ही सुनवाई के लिए शाम 5 बजे का समय तय किया था। 5 बजे सुनवाई जब शुरू होगी तो फिर फैसला आ जाएगा कि फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं। ये उम्मीद की जा रही है कि आज की सुनवाई के बाद कल के फ्लोर टेस्ट को लेकर कुछ ना कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जरूर दे दिया जाएगा। हालांकि शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक बागियों पर फैसला नहीं होता है तब तक आखिर फ्लोर टेस्ट कैसे किया जा सकता है, यह असंवैधानिक है। वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल की तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि साहब ये तो राज्यपाल का विशेष अधिकार होता है, अगर बहुमत में नहीं है सरकार तो फिर सरकार में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। जरा निपुण से जानते हैं, निपुण करीब 45 मिनट का इंतजार और फिर शुरू होने वाली है महाराष्ट्र पर सुप्रीम सुनवाई। देखिए रोमाना, 5 बजे का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा कुछ अधिक समय लगे, हो सकता है 5:15 या 5:30 भी बजे। ये निर्भर करता है इस बात पर कि क्या जजों के पास वो कॉपी पहुंच गई है जो याचिका की, और सारे पक्षों के पास पहुंची है या नहीं। इस शर्त को पूरा करने के बाद ही सुनवाई होगी। इसमें जो मुख्य रूप से मांग यह है, मैंने याचिका को देखा है, हालांकि याचिका की एक कॉपी मिली है मुझे, उसमें मुख्य मांग यही है कि जो राज्यपाल ने आज आदेश दिया है कि कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट हो महाराष्ट्र विधानसभा में, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे, उस पर रोक लगा दे, और उसके पीछे तमाम जो है वजह, तमाम कारण गिनाए गए हैं शिवसेना के की तरफ से। बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। निपुण सहगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट परिसर से और पल पल का अपडेट वो हम तक पहुंचाएंगे। इस बीच आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना ने दलील दी कि मंत्रिमंडल की सलाह के बिना राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की राज्यपाल के आदेश को चुनौती, ये दलील शिवसेना की तरफ से दी गई। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश बिना कैबिनेट की मंत्रिमंडल की सलाह के दिया, नेता विपक्ष की मांग पर निर्णय ले लिया गया, राज्यपाल ने जल्दबाजी की है, अयोग्यता का मामला लंबित रहते हुए फ्लोर टेस्ट कराना गलत। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो शिवसेना की तरफ से रखे गए हैं। कुल मिलाकर यही आधार राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश के विरोध का, निपुण सहगल, जो शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल यही सब आधार हैं, यही सब बातें याचिका में लिखी गई हैं कि मंत्रिमंडल की सलाह ली जानी चाहिए। हालांकि जब राज्यपाल को यह भरोसा ना हो कि सरकार बहुमत में है, तो मैं नहीं समझता कि मंत्रिमंडल की सलाह की ज़रूरत ऐसे मामलों में होती है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के गले उतरेगा। लेकिन आगे जो बातें कही गई हैं कि मीडिया में कुछ बातें चल रही है, राज्यपाल के पास कोई ठोस आधार नहीं था अविश्वास करने का कि बहुमत नहीं है सरकार के पास, और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस उनसे मिले, उसके बाद आनंद फानंद ने फैसला ले लिया गया, ऐसी तमाम बातें हैं। और जो एक अहम बात है वो ये है कि 16 विधायक हैं जिन्होंने पार्टी का आदेश नहीं माना, पार्टी के विरोध में काम किया, तो उस हिसाब से वो अयोग्य हो गए हैं, और उनकी अयोग्यता बस एक औपचारिक आदेश डिप्टी स्पीकर का आना था, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक के लिए उस मामले को टाल दिया है। तो उन लोगों का मामला लंबित रहते, उनको वोट देने के लिए अगर कह दिया जाएगा तो ये पूरी तरह से अवैध होगा। ये तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन मुख्य मांग यही है कि राज्यपाल का जो आदेश है, जो निर्देश है उनकी तरफ से जारी हुआ है कि कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे या उसको रद्द ही कर दे। पूर्णिया सिटी जानी ना, पूर्णिया सिटी, हाँ
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।